गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे वीकली करंट अफेयर के इस सेशन में पिछले सप्ताह की उन सभी खबरों के बारे में जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कुछ छोटी छोटी पहले बातें मैं आप लोगों को साथ शेयर कर दूं, क्योंकि कई बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर डर लग रहा है। दूसरा एक बड़ा कॉमन मैसेज है कि सर रिवीजन नहीं हो रहा है। और तीसरा एक मैसेज है कि सर मोटिवेशनल क्लास आप कब लेंगे। तो मोटिवेशनल क्लास मैं जल्द ही लूंगा, और इस समय थोड़ा डर लगना एक आम बात है, जनरल चीज है। तुम्हें ही नहीं, मैं बताऊंगा कि मुझे भी इस समय थोड़ा बहुत तो डर लगता है कि भाई जितना पढ़ाया साल भर में क्या इसमें से ही आएगा कि कहीं और अजीब गरीब जगह से तो नहीं आ जाएगा। तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, कहने का अभिप्राय सिंपल सा इतना सा है। बाकी मैं मोटिवेशनल क्लास हुआ तो कल के दिन ही मोटिवेशनल क्लास और एक कॉम्प्रिहेंशन की क्लास पिछले दो दिनों से रिशेड्यूल हो रही थी, तो कॉम्प्रिहेंशन की क्लास हम वेनसडे को ले लेंगे ताकि पहला सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन वाला सेगमेंट कवर करा दे आप लोगों का, फिर रीजनिंग और मैथ्स कवर करा देंगे थोड़ा थोड़ा। आइए हम बातचीत करते पहले करंट अफेयर की कक्षा की, तो शब्दों पर जरा ध्यान देते चलिएगा। इस बार के करंट अफेयर में इकोलॉजी एनवायरमेंट की काफी खबरें हैं, तो सवाल के बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। दो मिनट का समय मैं आप लोगों का लूंगा, जो विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं वे जुड़ सकते हैं भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनएकेडमी पर। अपनी तैयारी को ऑनलाइन यदि आप करना चाहते हैं तो मैं ये दावा करता हूं कि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इसलिए भी नहीं है क्योंकि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप डायरेक्टली लाइव क्लास में रेज हैंड नहीं कर सकते, सवाल पूछ नहीं सकते। अनएकेडमी में ये है, किसी भी कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टेबलेट दे दिया जाता है जो पुराने दो दो साल डेढ़ डेढ़ साल की रिकॉर्डेड चीजें हैं जिसमें अपडेशन नहीं है। एक ही शिक्षक आपको एक सब्जेक्ट के लिए दे दिया जाता है जबकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए कई शिक्षक है। आपके पास चॉइस होती है, मतलब एक तरीके से आप एक बार जब फीस पे करते हैं तो उतने टाइम पीरियड की जो फीस होती है उसमें आप आरंभ बैच भी देख सकते हैं, लक्ष्य बैच भी देख सकते हैं, मुझे भी देख सकते हैं, किसी और टीचर को भी कंप्लीट क्लास कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर मिलता है। और क्योंकि इस समय बेस्ट ऑफर चल रहा है वो मैं आपको सूचित कर देता हूं, 30% तक का डिस्काउंट चल रहा है इस समय प्लस कॉम्बो में। जो 70,000 का 12 मंथ का है वो आपको 50,400 में मिल रहा है, जो 18 मंथ का 81,000 का है। और साथ ही साथ जब एमके लाइव रिफर कोड आप यूज करेंगे तो और भी मिनिमम प्राइस मिलता चला जाएगा। तो चीजों को आप देख सकते हैं, आइकॉनिक वाले जिसमें आपको एक साथ ही साथ मॉनिटर भी मिलता है एक तरीके से आपकी तैयारी में गाइड करने वाले, और सभी सब्सक्रिप्शन पर इस समय एक साल 18 महीने या उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पर नोट्स पूरी तरह से मिल रहे हैं। तो बहुत ही कम नोट्स अवेलेबल हैं, आप अपने सब्सक्रिप्शन को सिक्योर कर लीजिए। 250 विद्यार्थियों के लिए ये अभी समय ऑफर है, 16 से 21 फरवरी तक ये ऑफर रहेगा। फरवरी नोट्स आपको इस समय पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन 18 महीने या उससे ज्यादा पर मिल रहा है। एक पाथ फाइंडर बैच है जिसके माध्यम से आप अपना सिलेबस अभी दो महीनों में जो भी रिविजन क्लास करनी है वो कर सकते हैं। आरंभ बैच, जैसे अब मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि आप आरंभ बैच में भी मैं हूं, अगर आप आरंभ बैच करते हैं बाइलिंगुअल तो इसमें भी आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, लक्ष्य वाला भी मिल जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप दोनों बैच प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब्सक्रिप्शन में आपने लक्ष्य बैच लिया तो आप ये नहीं देख सकते, आप आरंभ बैच देख रहे हैं तो इसको भी देख सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन के बाद सारी क्लासेस देखने का मौका मिलता है, 0% इंटरेस्ट के साथ EMI का ऑप्शन है। और 11:30 बजे 22 फरवरी को हम आपसे मुलाकात करेंगे, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में, बाइलिंगुअल बैच है, पहला ऑफलाइन बाइलिंगुअल बैच है, तो आपका स्वागत है इस बैच में, आप आइए, आपको बहुत सारी चीजें इस बैच में रणनीति के रूप में पता चलेगी। और आइए देखते हैं कि करंट अफेयर में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए, अभी जून में खबर आई थी पिछले साल,
फिर से चीते लाए गए क्योंकि 20 चीतों को लाने का टारगेट था। पिछली बार 8 लाए गए थे, इस बार 12 लाए गए हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और इस बार मैं जो सवाल आएगा वो अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके के सवाल की इस बार हमें गारंटी है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। समुद्री जल स्तर में वृद्धि और प्रभाव, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, थवाइट्स ग्लेशियर जल धन अभियान, समताप मंडल ओजोन परत में सुधार, खनन प्रहरी भारत में पेंगोलिन का अवैध शिकार और तस्करी, पॉलिटी में कस्टोडियल डेथ के संबंध में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति और संविधान की मूल भावना। लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं है इस बार, मतलब जब से 2019 के चुनाव हुए उसके बाद ही। मारबर्ग वायरस, यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित हुआ। मासिक धर्म मिनिस्टर साइकिल जो कि महिलाओं में हर 28 दिन में आता है। बाल मित्र चैटबॉट, एक नया रोबोट। ऑफ बजट उधार, भारत बना संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष। आर्ट एंड कल्चर में खजुराहो के मंदिर, सप्त कोटेश्वर मंदिर और एग्रीकल्चर में मीरा पहल। तो सबसे पहली खबर पर आते हैं, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते। इस बार जो मुझे लग रहा है कि एक सवाल आ सकता है चीते और तेंदुए पर, चीते और तेंदुए में क्या डिफरेंस होता है, चीते और बाघ में क्या डिफरेंस होता है, एक तरीके का बढ़िया सवाल बन सकता है। तो मतलब बहुत अंदर से आवाज आ रही है, फिर बाद में आप कहेंगे कि सर ने पहले ही बता दिया था। तो मुझे इस बार उम्मीद है कि तेंदुए और चीते के डिफरेंस पर शायद यूपीएससी प्रश्न पूछे। तो थोड़ा सा खबर, 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये चीते कहाँ के हैं, किस जगह पर आ रहे हैं, दूसरा डिफरेंस हमें देखना है और पूरी योजना के बारे में एक चर्चा भी करते चलेंगे। तो जरा शब्दों पर ध्यान देते चलिएगा और इंपॉर्टेंट खबर है, स्टार लगा दीजिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 7 नर और 5 मादा एशियाई चीता लाए गए हैं। ये एशियाई नहीं, अफ्रीकी चीता लाए गए। एशियाई चीता तो खत्म हो चुके, विलुप्त हो चुके हैं। तो ये अफ्रीका के महाद्वीप पर नामीबिया से पिछली बार 8 लाए थे और इस बार 12 हमने दक्षिण अफ्रीका देश से लाए। पूरा महाद्वीप अफ्रीकन महाद्वीप, या अफ्रीकन पेंथर है, अफ्रीकन चीते है। उल्लेखनीय कि इसके पहले पिछले जून 2022 में नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में ट्रांसफर किया गया था। दरअसल भारत सरकार की योजना 20 चीतों को नामीबिया से 8, दक्षिण अफ्रीका से 12 को अफ्रीका से भारत ट्रांसफर करने की थी ताकि उनको बसाया जा सके। 1952 में भारत के चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। भारत में चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे 1952 में, और अब ये वापिस बसाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चीतों के बारे में बता दूं कि सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है दुनिया का, 112 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होती है, भयानक स्पीड है ये 112 किलोमीटर। आप लोग कभी कार में 112 की रफ्तार को महसूस कर सकते हैं, उस रफ्तार से ये दौड़ते हैं। और दुनिया का सबसे तेज इंसान दौड़धावक उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट के लगभग स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और ये चीते की स्पीड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ने वाला, मतलब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। 90 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट में चीतों को लाने बसाने में खर्च हो रहे हैं और इसका नाम है चीता परिचय परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो थोड़ा स्टार लगाइएगा, परियोजना का नाम चीता परिचय परियोजना है। सॉरी, फिर कुनो नेशनल पार्क एमपी में लाया जा रहा है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। देश का अंतिम चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और वर्ष 1952 में
इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। निवास स्थान का नुकसान, मनुष्य के साथ उसके संघर्ष, अवैध शिकार और बीमारियों के प्रति उच्च संवेदनशीलता इनके विलुप्ति का प्रमुख कारण बना। अब थोड़ा सा अफ्रीकन चीतों के बारे में जान लीजिए कि एशियाई और अफ्रीकन चीतों में अंतर क्या है, पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अफ्रीकन जो चीता है उसको साइंटिस्ट लोगों ने जो नाम दिया है एसिनोकिस जुबेटस वेनेटिकस, थोड़ा नाम कठिन है पर दो तीन बार दोहराएंगे तो इजी लगेगा। जैसे हमारे नेशनल एनिमल टाइगर है और टाइगर का जूलॉजिकल नाम पता होगा आप लोगों को, देखे कितने लोगों को टाइगर का जूलॉजिकल नाम पता है, टाइगर का जूलॉजिकल नेम। एक लाल कह रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है, जबकि वॉइस तो मुझे दिख रही प्रॉपर आ रही है। ईशु चौधरी और गीतू यादव बहुत बढ़िया, पेंथ्रा टाइग्रिस है। तो वैसे चीते का जो जूलॉजिकल नेम है ये इंपॉर्टेंट है, एसिनोकिस जुबेटस वेनेटिकस, एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस, एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस। अफ्रीकी चीता तुलना में एशियन चीते से थोड़ा छोटा है, शरीर पर बहुत अधिक फर, छोटा सिर, लंबी गर्दन, लाल आंखें, बिल्ली के समान। केवल अभी एशियाई जो शेर है, मुझे लगता है ये एशियाई शेर के हैं, ईरान में पाए जाते और ईरान में इनकी संख्या 100, ये एशियन शेर हैं, अफ्रीकन शेर चीते की तुलना में छोटे, सॉरी एशियन चीतों का वर्णन लिख दिया हमारी टीम ने, एशियन चीते हैं ये एशियन चीते का वर्णन है, ये एशियन चीतों के बारे में वर्णन है। इस समय ईरान और इराक में, ईरान में पाए जाते, 100 से भी कम बचे, भारत के तो 1952 में विलुप्त हो चुके हैं और IUCN ने इसे अति संकटग्रस्त लिस्ट में डाला हुआ है क्योंकि अब बचे कुछ ज्यादा नहीं है। और भारत के वन्य जीव अधिनियम 1972 की अपेंडिक्स मतलब दूसरी अनुसूची में डाले गए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। अब आप बात करते हैं, ये एशियाई चीतों का वर्णन था, प्लीज क्षमा चाहूंगा मैं, ये एशियाई चीतों के बारे में वर्णन है। फिर है ये अफ्रीकन चीतों के बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये अफ्रीकन चीते हैं, अफ्रीकन चीता एसिनोनिक्स जुबेटस, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, वही नाम है, त्वचा थोड़ी भूरी सुनहरी, एशियाई प्रजाति की तुलना में चेहरे पर अधिक धब्बे और रेखाएं, और अफ्रीका में इनकी तादाद बहुत ज्यादा है तो सुभेद्य रखे गए हैं, और वो तो हमारे देश में वैसे है ही नहीं तो अब रखे जाएंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना कि अफ्रीकन चीते और एशियाटिक चीते, अफ्रीकन चीतों को आप जरा ध्यान से देखोगे तो इनके नाक के पास गहरी लाइन होती है, हल्की लाइन होती है, इनका जो एशियाटिक चीते हैं इनकी आंखों में भी मतलब लाल रंग ज्यादा रहेगा। IUCN में अफ्रीकन चीते अभी सुभेद्य में है, मतलब इनकी तादाद ठीक ठाक है, लेकिन एशिया में अब इनकी तादाद 100 से भी कम बचे, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये थोड़ा डिफरेंस नोट करना, 100 से भी कम बचे एशियाटिक चीते, भारत में तो है नहीं, ईरान में बचे हुए हैं, तो ये ईरान में बचे हैं 100 से भी कम, लगभग 40-50 लिखा हुआ है, और अफ्रीका में लगभग 6,500 से 7,000 के आसपास चीते हैं। बिगर इन साइज, यह अफ्रीकन चीते थोड़े से बड़े होते हैं, ये थोड़े से छोटे होते हैं, और जनरली इनका चेहरा बिल्ली के जैसा ज्यादा दिखता है। अब जरा एक देखना, ये अफ्रीकन चीते हैं वल्नरेबल और ये एशियन चीते हैं, लगभग दोनों में आप अगर देखेंगे तो डिफरेंस थोड़ा सा लंबाई का आपको दिख जाएगा, अफ्रीकन चीते काफी बड़े हैं, ये आकार में थोड़े से छोटे होते हैं। ये किंग चीता भी होता है एक, तो इस पर इतना ध्यान मत दीजिए, थोड़ा डार्क कलर का होता है, ये किंग चीता कहलाता है, मतलब इनकी स्पीशीज में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीता यही होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूं कि भाई कूनो नेशनल पार्क जो है, इस कूनो नेशनल पार्क में हमने जो लॉयन थे, लॉयन मतलब गिर नेशनल पार्क है, उसकी भी प्लानिंग की थी कि यहाँ लाए जा सकते हैं,
और कूनो नेशनल पार्क के बारे में। इसके अलावा कहा गया है कि राजस्थान का जो जैसलमेर का क्षेत्र है, शाहगढ़ का एरिया है, वहां पर भी संभावना है, और नौरा देही, इन तीन जगहों को बताया जा रहा है कि इनके लिए बहुत ही अनुकूल है। फिलहाल में तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क में इनको लाया गया है, लेकिन राजस्थान का शाहगढ़ का क्षेत्र भी माना गया है कि इनके लिए अनुकूल है, और मध्य प्रदेश का नौरा देही नामक जो क्षेत्र है विंध्यन रेंज में, वो भी इनके लिए अनुकूल माना गया है कि भाई अगर भारत में इसके अलावा कहीं और शिफ्ट करने हैं तो इन तीन जगहों पर शिफ्ट किए जा सकते हैं। अब थोड़ा तेंदुए और इसमें डिफरेंस समझना मैं जो बताना चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए शक्ति की तुलना की जाए चीता और तेंदुआ, तो क्या लगता है आपको कि ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? ज्यादा शक्तिशाली चीता और तेंदुए में कौन होगा अगर आपसे पूछा जाए तो? तो अधिकतर जो बच्चे हैं वो चीता लिख रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि उनको लगता है कि चीता तेज दौड़ता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ज्यादा शक्तिशाली तेंदुआ होता है। तेंदुआ मतलब तेंदुए के एक पंच में ही चीता मर सकता है, इतना ताकतवर होता है तेंदुआ। तेंदुए का एक पंच ही चीते को खत्म कर सकता है। चीता केवल अपना रफ्तार के कारण तेंदुए से अपनी जान बचा सकता है। जनरली तेंदुए चीते के क्षेत्र में आ जाते हैं, लेकिन चीता कभी तेंदुए के क्षेत्र में नहीं आता, कमजोर होता है। और उसकी जो लंबाई है वो, उसकी जो स्पीड है वो काम की है। तेंदुए में जो आगे के पैर होते हैं ना, वो ज्यादा बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, और चीते में पीछे के जो पैर होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं दौड़ने में मदद करने के लिए। तेंदुए में जरा ध्यान से देखना, मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, आइडिया लगेगा। ये तेंदुए के पहचान मतलब एक तरीके से स्पॉट है। तेंदुए पर जो स्पॉट होते हैं ना, वो डॉट डॉट स्पॉट एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल। पर जो चीते पर स्पॉट होते हैं वो डॉट बिल्कुल इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल। किसी भी चीते या तेंदुए की पहचान के लिए इसके स्पॉट का जो अरेंजमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हर तेंदुए और चीते में बिल्कुल वो यूनिक होता है, मतलब उसके जैसा अरेंजमेंट किसी दूसरे तेंदुए और चीते में हो ही नहीं सकता। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है इस पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। अब बात करते हैं कि टाइगर, टाइगर बहुत अलग ही आप देख सकते हैं। यहां डॉट स्पॉट की जगह पर लाइनें होती हैं, सुनहरे पीले कोट पर काले रंग की धारियां होती हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तैरना भी आता है, लेकिन ये पेड़ पर नहीं चढ़ते रियल में, इनको तैरना आता है लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाते, ये दहाड़ते हैं। जो तेंदुआ भी दहाड़ता है, लेकिन जो चीता होता है उसकी आवाज होती है बस, मतलब एक जैसे बिल्ली की आवाज होती है ना वैसे एक छोटी सी आवाज, दहाड़ते नहीं है चीते कभी भी। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ पा रहे हैं, तेंदुए में ये स्पॉट ऐसे सर्कल बनाते हैं लेकिन चीते में सिंगल सिंगल होते हैं। ये चीते का है, ये चीते की पहचान है। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, क्योंकि इस बार बहुत संभावना है सवाल के आने की। चीता और तेंदुए में अंतर, चीते और तेंदुए के शरीर पर मौजूद काले धब्बे होने से अक्सर लोग इन्हें उलझन में पड़ जाते हैं। चीते के शरीर पर बने धब्बे गोल बिंदी जैसे होते हैं, तेंदुए के शरीर पर बने धब्बे फूल की पंखुड़ी जैसे होते हैं। चीते के चेहरे पर बहते आंसू जैसे काले रंग की लंबी लाइन होती। जो चीता होता है ना, चीते पर गौर करना, तो ये जो लाइनें हैं उसकी आंखों के पास, यहां जो एक चित्र आप देख सकते हैं, इस चित्र पर गौर करिएगा, ये लाइन होती है, लाइन यहां पर, ये लाइन आपको चीते के आंखों के पास दिखाई देगी। लेकिन जो तेंदुए होते हैं, तेंदुए में ऐसा कुछ नहीं होता है, कंप्लीट पूरे शरीर पर वही बिंदी वाली संरचना मिलेगी। तेंदुए के चेहरे पर ऐसा कोई निशान नहीं होता। चीते घास के खुले मैदान पर रहना पसंद करते, ये घनी झाड़ी और पेड़ों पर चढ़कर रहते हैं। चीते पेड़ों पर कम चढ़ते, तेंदुए पेड़ों पर ज्यादा नहीं। नर चीते का वजन 54 किलोग्राम के आसपास, जबकि नर तेंदुआ 60 से 70 किलोग्राम, और तेंदुआ बहुत शक्तिशाली होता है, तेंदुए की ताकत बहुत ज्यादा। इसकी जो पूंछ होती है वो थोड़ी चपटी होती है, इसकी गोलाकार पूंछ होती है, बट इतना नहीं,
लेकिन मेनली डिफरेंस याद रखना स्पॉट का, तेंदुए और चीते के डिफरेंस में सवाल की इस बार पूरी गारंटी लग रही मुझे, तो स्टार लगा लीजिएगा। हाँ ये सभी बिल्ली प्रजाति के, इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी के सभी बिल्ली प्रजाति के हैं। तो एक बार फिर से पूरी कहानी दोहराते हैं, हमारे देश में तेंदुए 1947 में मर गया, 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। एशियन चीते हमारे देश में रहते थे, इस समय एशियन चीते केवल ईरान में हैं, 40 से 50 उनकी संख्या बची है, 100 से भी कम कहते हैं। अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है। भारत की वन्य जो 1972 का कानून है उसके तहत हमारे जो सूची दो है उसमें रखा गया है, जिनका शिकार करना बहुत ही ज्यादा प्रतिबंधित है। फिर दूसरी बात कहे तो भारत में अब जो चीते आए वो अफ्रीका से आए हैं, 90 करोड़ की एक परिचय योजना शुरू की गई है, 8 नामीबिया से, 12 दक्षिण अफ्रीका से, 8 नामीबिया के जून में आ चुके थे, अब दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं 12, और इन मेन मकसद है इनको बसाना। फिर से तीन जगह माना जाता है कि बेटर है, मध्य प्रदेश में दो जगह है, एक है मध्य प्रदेश की नौरा देही, बट अभी यहाँ पर शिफ्ट नहीं, अभी तो पूरे कूनो पालपुर में लाए गए हैं, पर राजस्थान का जो शाहगढ़ है वहां भी इनके लिए कहा जाता है कि चीता भारत में यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ सारा वातावरण ऐसा है जहाँ उनको अनुकूल चीजें मिलेगी। फिर हमने इसके बारे में आपको बताया कि भाई तेंदुआ और चीते में डिफरेंस क्या है, तो तेंदुआ ज्यादा शक्तिशाली हेवी होता है, चीता कमजोर होता है लेकिन स्पीड के मामले में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। तेंदुए पर जो स्पॉट होते हैं वो डॉट डॉट और फूल के जैसे एक साथ पूरा सर्कल बनाते हैं, लेकिन चीते में सिंगल सिंगल होते हैं। जो अफ्रीकन चीते होते हैं वो थोड़े बड़े आकार के होते हैं, जो एशियन चीते होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। तो चीतों में भी डिफरेंस आ सकता है एशियन और अफ्रीकन चीतों का, या फिर डिफरेंस आ सकता है कि तेंदुआ और चीते में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चीते के पास जो आंखें के पास एक पट्टी नुमा निशान होते हैं, तेंदुए में ऐसा कोई निशान नहीं होता है, और तेंदुए जनरली पेड़ों पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, तो एक मोटा डिफरेंस बहुत जरूरी है। तो ये थोड़े डिफरेंस, क्योंकि इस बार संभावना है कई सारे, जो क्योंकि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स से हम ये उम्मीद करते हैं कि उसको तो जरूर पता है कि डिफरेंस क्या होते हैं। अब आते कूनो नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1981 में पहले इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया था कि ये अभ्यारण्य है, 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा यहां मिलते हैं। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किसी एक स्थल पर ट्रांसफर किए जाने का प्रस्ताव था, उसका कारण है कि भाई हो नहीं पाया, तो उसको हम जो गुजरात के लॉयन हैं, गुजरात के लॉयन उनको कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में लाना चाहते थे। अब ध्यान से समझना एक और चीज, लॉयन एक अलग प्रजाति है, बाघ एक अलग प्रजाति है, चीता एक अलग प्रजाति है और तेंदुआ एक अलग प्रजाति है, तो चारों अलग अलग है, लेकिन जितना मुझे उम्मीद है इस बार तेंदुआ और चीते पर सवाल की संभावना स्टार लगा दीजिएगा कि डिफरेंस के रूप में पूछा जा सकता है और चर्चा में रहा है ये। अब आते हैं समताप मंडलीय ओजोन परत में सुधार। आइए थोड़ा सा पहले कहानी समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर वायुमंडल की कई परतें हैं। पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, दूसरे का नाम है समताप मंडल, तीसरी परत का नाम है मध्य मंडल, चौथी परत का नाम है आयन मंडल, आयनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में लगभग 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई, जिसमें 22 किलोमीटर पर सबसे अधिक ओजोन परत की सघनता मिलती है, और ओजोन सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, तीन प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए अच्छी होती है, इनको ओजोन की परत अब्सॉर्ब नहीं करती है, पृथ्वी तक पहुंचती है। अल्ट्रावायलेट बी बुरी होती है, बी बुरी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और अल्ट्रावायलेट सी तो कितनी भी ओजोन की परत पतली हो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और यह सबसे खतरनाक होती है। अगर ओजोन की परत पतली हो जाएगी तो इस पर कोई प्रभाव नहीं, ये तो अच्छी है, ये कभी आएगी नहीं,
इसकी मात्रा बढ़ जाती है और इसके कारण त्वचा का कैंसर या मोतियाबिंद जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो जो दो जगह छिद्र दिखे थे, एक तो अंटार्कटिका में छिद्र दिखा था ओजोन की परत में, मतलब अंटार्कटिका के ऊपरी वायुमंडल में, और आर्कटिक के ऊपरी वायुमंडल में छिद्र दिखे थे। अब ठीक लग रहा है क्योंकि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था जिसके तहत ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों पर पूरे विश्व में धीमे धीमे प्रतिबंध लगना शुरू हुआ था। हाल ही में अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी की 103वीं वार्षिक बैठक के दौरान समतप मंडलीय ओजोन परत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट का शीर्षक है ओजोन क्षरण का वैज्ञानिक आकलन 2022। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा, और अमेरिकी वाणिज्य विभाग और यूरोपियन आयोग जैसे संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। तो बहुत सारे संगठनों ने मिलकर बनाई है, तो विश्वास ज्यादा रहेगा। WMO, UNEP, नासा, यूरोपियन, अमेरिका का कॉमर्स डिपार्टमेंट, यूरोपियन कमीशन, इन सब ने मिलकर इस रिपोर्ट को बनाया है। और जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये ओजोन की जो परत है वो यहां से लेकर यहां तक मिलती है 35 किलोमीटर तक, सबसे ज्यादा मोटाई 22 किलोमीटर पर मिलती है, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अल्ट्रावायलेट बी और सी से हमारी रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट ए अच्छी होती है, उतनी कोई बुरी नहीं, तो जरूरी हमारे लिए विटामिन डी बनाने में मदद करती है। ये अगर पतली हो जाए तो इसके पहुंचने की संभावना होती है, लेकिन सी कभी पहुंच नहीं पाता। तो इस चित्र को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार समताप मंडल की सुरक्षात्मक ओजोन परत में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों की मानव तक सीधे पहुंच घटी। अगले 4 दशक में 40 वर्षों में समताप मंडली ओजोन का स्तर 1980 के स्तर तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है, और यदि वर्तमान की पॉलिसी जारी रही तो अंटार्कटिक के ऊपर स्थित विशाल ओजोन छिद्र 2066 तक ठीक हो सकता है। तो एक अच्छी खबर है कि 2066 तक हमारा जो ओजोन छिद्र है वो भर जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए जो ओजोन का महत्व है वो सभी नागरिकों के लिए लाभदायक होगा। ओजोन परत में सुधार और ओजोन छिद्र के कम होने का प्रमुख कारण 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन, कुछ हानिकारक ओजोन क्षयनकारी का सफलतापूर्वक उन्मूलन है। ओजोन परत में ना सबसे पहले 1983 में वियना प्रोटोकॉल आया था, वियना प्रोटोकॉल, बट इसमें कोई बाध्यकारिता नहीं थी। बट 1987 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया तो इसमें पूरी तरह से देशों पर प्रतिबंध लगाए गए। 16 औद्योगिक देशों को तत्काल कहा गया कि वो अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को इमीडिएटली बंद करें ताकि ओजोन के क्षरण को रोका जा सके। रिपोर्ट के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिबंधित लगभग 99% पदार्थों का उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ओजोन परत के स्तर में धीमा लेकिन निश्चित गति से सुधार हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में मतलब आया था, पर पूरी दुनिया ने धीमे धीमे 1989 में लागू किया। भारत ने 1992 में इस पर साइन किए और भारत ने भी अपने देश में CFC को कम करना, उत्सर्जन कम करना शुरू किया। इस समझौते में UNEP ने प्रमुख भूमिका निभाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 तक CFC का उपयोग और उत्पादन पूरी तरह प्रतिबंधित करना है। विकासशील देशों को CFC का उत्पादन और उपभोग 2010 तक बंद करने का समय दिया गया। तो जो अमीर देश थे उन्हें कहा गया कि वर्ष 2000 तक ही आप बंद कर देना CFC, और जो गरीब देश हमारे जैसे देश थे उनको कहा गया कि आप 2010 तक प्रतिबंधित कर देना। 2010 से प्रोटोकॉल का एजेंडा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी धीरे धीरे बाहर करने पर केंद्रित हो गया है। तो अब धीमे धीमे 2010 से HCFC को भी बंद कर दिया गया, फिर इसकी जगह पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आए थे। 2016 में किगाली समझौते में कहा गया कि इसको भी बंद कराओ, क्योंकि इसके कारण ओजोन तो क्षति नहीं पहुंचती लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में रोल निभाता है। तो CFC इसको, ये सबसे खतरनाक होते क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेरॉन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन,
ये सभी के सभी प्रतिबंधित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से बाह्य फेजिंग आउट करने के लिए बनाया गया सम्मेलन है या फिर संबद्ध है? तो आंसर अब आप लोगों को पता है, बहुत इजी सवाल है ये। विक्की जाधव, कॉम्प्रिहेंशन का हमारा क्लास बिल्कुल आएगा, आप घबराओ नहीं। कॉम्प्रिहेंशन का क्लास हो सकता है मैं बुधवार को लूंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो। बहुत बढ़िया क्लास आएगा कॉम्प्रिहेंशन का, मतलब सारे दुख दूर कर देंगे हम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सतत विकास लक्ष्यों को प्रतिपादित करना, ओजोन परत का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटना, मरुस्थलीकरण से निपटना, कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए, इसमें भी आप लोग अपना आंसर चुन सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उत्सर्जन के आधार पर एक बाध्यकारी समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यूएनईपी ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। आंसर आएगा दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। ये यहां कैसे आ गया मुझे नहीं पता। आते भारत में पेंगोलिन का अवैध शिकार और तस्करी, पोचिंग एंड स्मगलिंग ऑफ पेंगोलिन इन इंडिया। ये पेंगोलिन ये पूछा भी गया है यूपीएससी के द्वारा, इस पर भी सवाल आया है। तो अब आप ये मत कहना कि सर ये भी पढ़ना पड़ेगा भाई, कभी भी ये अपने पूरे के पूरे सुरक्षा कवच के रूप में इसका उपयोग करता है। तो पेंगोलिन थोड़ा सा जानकारी ढूंढ निकाल लेते हैं। हाल ही में वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक ने ट्रैफिक द्वारा भारत के संदर्भ में पेंगोलिन के अवैध तस्करी और शिकार के संबंध में आंकड़े जारी किए हैं। मतलब रिपोर्ट ये कह रही है कि यहाँ भारत में पेंगोलिन का अवैध तरीके से शिकार हो रहा है और भारत उसको संरक्षित करने में सफल नहीं हो पा रहा है। आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2022 के बीच भारत में लगभग 1000 से अधिक पेंगोलिन का अवैध शिकार और तस्करी हुई। शिकार और तस्करी की सर्वाधिक घटना उड़ीसा में हुई है। पेंगोलिन विश्व में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली प्रजाति है। सामान्यतः परतदार चीटी खोर, इसको मतलब अगर हम बातचीत करें हिंदी में तो इसको चीटी खोर कहा जाता है, शायद अब कुछ लोगों को याद आ जाए। चीटी खोर पेंगोलिन, एक दांत नहीं होते इसमें। तो पेंगोलिन अपने बचाव के रूप में इस परतदार कवच का उपयोग करता है और यही सुरक्षा कवच पेंगोलिन विलुप्ति का कारण भी बन रहा है, क्योंकि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई कीमत है। परंपरागत चीनी दवाइयों में इनके कवच की भारी मांग है। इनके शिकार का मुख्य कारण है चीन और दक्षिण एशियाई देश में इनके कवच और मांस की भारी मांग है। इसे वैश्विक रूप से पेंगोलिन प्रजाति की संख्या में कमी आ रही है। तो चीटी खोर पेंगोलिन, जिसके कवच उसके सुरक्षा का उपकरण था, लेकिन उसी उपकरण के कारण या उसी सुरक्षा कवच के कारण उसका शिकार भी हो रहा है। पेंगोलिन एक रात्रिचर जीव है, यह बिल में रहता है। दीमक और चीटी इसका मुख्य आहार है। पेंगोलिन की दृष्टि कमजोर होती है, वे गंध से दीमक और चीटियों के घोंसले का पता लगाते हैं और दुनिया में अवैध व्यापार का सर्वाधिक शिकार होने वाला स्तनधारी है। पेंगोलिन किसी बाहरी आक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए अपने शरीर को मोड़कर एक सुरक्षा कवच बनाने में सक्षम है। भारतीय पेंगोलिन का शारीरिक आकार विश्व में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में सबसे बड़ा है। पेंगोलिन एक पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर है। कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने के अलावा मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को फैलाने में मदद करता है। इंजीनियर का मतलब है कि वह मिट्टी को उथल पुथल गड्ढे, जब मतलब इस खोदेगा तो मिट्टी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे शिफ्ट होती है। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, उड़ीसा का नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भारतीय पेंगोलिन के संरक्षण और प्रजनन के लिए एकमात्र केंद्र है। भारतीय पेंगोलिन आयुसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब होता है संकटग्रस्त।
संकटग्रस्त सूची में है। स्टार लगा दीजिए, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, सवाल का मटेरियल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची एक तथा जंगली जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में साइट्स में परिशिष्ट वन में और अनुसूची वन में रखा गया है। पेंगोलिन एक रात्रिचर जीव है, यह बिल में रहता है तथा दीमक और चींटी इसका मुख्य आहार है। ये दुनिया में अवैध व्यापार का सर्वाधिक शिकार होने वाला स्तनधारी है। तो मेमल्स है और इसमें दांत नहीं मिलते हैं। पेंगोलिन चींटी खोर, एक बार आप चित्र देख लीजिए। वैसे मैं इसमें वो चित्र दिखाना चाह रहा था कि जब ये सुरक्षा कवच को, तो ये पूरे खड़े हो जाते हैं इसके सारे के सारे सुरक्षा कवच, और कोई भी यदि इस पर हमला करे तो वो बच जाता है अपने सुरक्षा कवच के कारण। तो पहली जो बात थी इकोलॉजी एनवायरमेंट में कुनो नेशनल पार्क, और दूसरी जो खबर है वो आई है उड़ीसा के पेंगोलिन के बारे में, और उसका जो नेशनल पार्क है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, नेशनल नहीं, जूलॉजिकल पार्क, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा का। अगली खबर है ऑफ बजट उधार। हाल ही में तेलंगाना के वित्त मंत्री द्वारा केंद्र सरकार पर राज्य के विकास में बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया गया। Recently, the finance minister of Telangana accused the central government of creating hurdles in the development of state. Off budget उधार ऐसे ऋण है जो सरकार द्वारा सीधे नहीं लिए जाते, बल्कि किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा सरकार के निर्देश पर लिए जाते हैं। ऐसी उधारियों का उपयोग सरकार की व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। Point to be noted. मतलब डायरेक्टली सरकार तो लोन नहीं ले रही है, लेकिन कोई सरकार की पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, सरकार की कोई सार्वजनिक संस्थान है जो सरकार के निर्देश पर ऋण लेती है, और ऐसी कई बार उधारियों का उपयोग क्या करती है सरकार, तो सार्वजनिक ऋण लिया, मतलब वो ऋण कंपनी के नाम पर लिया लेकिन सरकार ने अपने खर्चों के लिए उसका यूज किया, उसको कहते हैं ऑफ बजट उधार। इन ऋणों का उपयोग करके सरकार का खर्च पूरा किया जाता है। ये राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं होता, क्योंकि इन ऋणों का भुगतान करने की देयता केंद्र सरकार पर नहीं पड़ती। इस प्रकार यह स्वीकार्य सीमाओं के भीतर देश के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला टूल है। संसद के दायरे से बाहर होने के कारण इसकी आलोचना की जाती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अनुसार राज्य सरकारों के ऋणों राजकोषीय घाटे की गणना करते समय इन उधारों को शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि राज्य सरकार अपने बजट से ऋण चुकाने और कर्ज चुकाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो आप ऑफ बजट ऋण सीधे तौर पर सरकार द्वारा अपने व्यय की पूर्ति के लिए लिया जाता है तो नहीं, बजट दस्तावेज के प्रस्तुत विवरण में ऑफ बजट ऋण को शामिल नहीं करते। इसका नाम ही ऑफ बजट इसलिए रखा गया, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा लिए गए ऋण ऑफ बजट ऋण के अंतर्गत नहीं आते। तो ये उल्टा लिख रहा है, पूछा है कौन से सही नहीं है, तो दूसरे को छोड़कर, मतलब कौन से सही नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा लिए गए ऋण ऑफ बजट ऋण के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पहला और तीसरा डी आंसर आएगा। तो ऑफ ऋण बजट का मतलब है कि सरकार ऐसे ऋण ले रही है जो कहीं ना कहीं उनको खर्चे में नहीं दिखा रही है, और इस कारण से मतलब उनको दिखा नहीं रही राजकोषीय घाटे में, लेकिन वो किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के माध्यम से चीजों को प्राप्त कर रही है। यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो भाई इसकी मांग महिला आंदोलन लंबे समय से कर रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको, तो सोनू सिंह राजपुरोहित, हमारी तैयारी से ग्रुप डी तो कभी नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि ग्रुप डी में जो सवाल आते हैं ना वो ऐसे सवाल नहीं होते, तुम गलत फॉलो कर रहे हो हमें। ग्रुप डी में उन लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें ऐसे लाइनें बताए कि भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई, फिर वो तुम्हें बताएंगे कि भारत में पहला संविधान संशोधन कौन सा था, कंसेप्ट नहीं। तो तुम हमें गलत फॉलो कर रहे हो, तुम किसी और को फॉलो करो, क्योंकि ये चीजें तो तुमसे नहीं हो पाएगी इसमें। कहां
मतलब मैं कहूंगा कि ग्रुप डी का एग्जाम और कहा यूपीएससी की प्रिपरेशन, ये गलत सलाह दी तुम्हें किसी ने, तुम मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत लाइन में आ गए हो, जिसे कहते नहीं भाई कि तुम ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तो तुम गलत जगह आ गए हो, तुम सही जगह पकड़ो। और जिनको भी मतलब एक तरीके से ग्रुप डी देना है, एसएससी देना है, मैंने कहा है कि आप मदद ले सकते, लेकिन इससे चयन नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको चीजें कंसेप्चुअल समझाने की कोशिश करता हूं। जिनको भी ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है, मैं उन्हें कहूंगा कि वो ऐसे शिक्षकों को फॉलो करें जो आपको पॉइंट वाइज, जैसे मान ले के चलो कि ल्यूसेंट पढ़ा रहे हैं, ल्यूसेंट पढ़ाने वाले शिक्षकों को फॉलो करो। मैंने कभी ल्यूसेंट पढ़ाई नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा। अब तुम हमारी पढ़ाई से तुम कल के दिन कहोगे कि सर मेरी चपरासी की जॉब नहीं निकली, तो इसमें मेरा दोष तो नहीं है। आइए वापिस आते हैं जीवन पर, लौटते हैं। देखो, महिलाओं के लिए सबसे पहला जो महिला आंदोलन हुआ था, उसमें प्रसव के समय छुट्टी की मांग रखी गई, तो वो पूरी हुई। तो हर महीने मेनस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं के शरीर से 5 दिन तक ब्लड और टिश्यू का उत्सर्जन होता है। कई महिलाओं को इसमें बहुत पीड़ा भी होती है, 1 या 2 दिन उन्हें बहुत पेट में पेन भी होता है, कई महिलाओं के लिए वो बहुत ही असहनीय होता है। तो माना जाता है कि जनरली ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो यहाँ 3 दिन 5 दिन की छुट्टी की बातचीत चलती है कि महिलाओं को मिलनी चाहिए। तो जरा वापिस बातों पर आइए, पहला यूरोपियन देश स्पेन की सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म के दौरान सवेतन अवकाश प्रदान करने संबंधी कानून पारित किया, और इस प्रकार कानून पारित करने वाला स्पेन यूरोप का पहला देश बना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मेनस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं इसको, मासिक धर्म चक्र को। मेनस्ट्रुअल साइकिल के तहत इन छुट्टी मिलेगी। उल्लेखनीय कि वैश्विक स्तर पर इस प्रकार का कानून सबसे पहले इंडोनेशिया में 2003 में आ गया था, लेकिन यूरोप में स्पेन में पहली बार आया है। जापान, दक्षिण कोरिया, जाम्बिया, ताइवान में इस प्रकार के कानून ऑलरेडी है। सिक्किम सरकार द्वारा बहिनी योजना प्रारंभ, जिसके तहत स्कूली छात्राओं को निशुल्क सेनेटरी पैड प्रदान किए जाते। तो हमारे देश में छुट्टी तो नहीं मिलती, लेकिन लड़कियों को सेनेटरी पैड दिए जाते हैं। सिक्किम देश का पहला राज्य बना जिसने स्कूली स्तर पर इस प्रकार की योजना को चालू किया। तो बहुत अच्छी योजना है ये, जिसके माध्यम से स्कूली छात्राओं को 9th से 12th में फ्री में सेनेटरी पैड दिए जाते। योजना का मकसद है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाने वाली छात्राओं को मुफ्त और सुरक्षित सेनेटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना, साथ ही स्कूलों से लड़कियों की ड्रॉप आउट को रोकना और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता भी बढ़ाना है। मासिक धर्म और भारतीय संदर्भ, हमारे देश में मतलब मैंने कई जगह देखा है। देखो, मासिक धर्म में एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। हमारे देश में जब किसी महिला का एमसी चक्र आता है, तो अलग अलग समाज में अलग अलग प्रथाएं देखी है मैंने। तो कई जगह पर मतलब महिलाओं को भोजन वाली रसोई से दूर रखा जाता है। देखो, इसका मकसद जो हमारे रिलीजन में था, अलग रखने का मतलब उन्हें मतलब एक तरीके से अशुद्ध घोषित नहीं करना था। मतलब ऋषि मुनियों ने काफी अच्छा निर्णय लिया, लेकिन हमारे भारतीय लोगों ने उसको भी गंदा कर दिया। वास्तविक रूप में इस 5 दिन की प्रक्रिया में किसी महिला के संक्रमित होने की संभावना, बीमार होने की संभावना, इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए उन्हें कहा गया कि भाई आप कार्य मत करिए, रेस्ट करिए, और आप ज्यादा इधर उधर की चीजों को हाथ मत लगाइए, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। वर्तमान में भारतीय समाज में कई सारे लोगों की ऐसी मान्यता हो गई कि जब एमसी चक्र होता है तो महिला मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है, महिला रसोई घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कई लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं, कुछ लोग इसको महामारी नाम दे देते हैं, कुछ लोग इसको प्रॉब्लम कह देते हैं, कुछ लोग मतलब रियलिटी में आधुनिक चिकित्सा में यहां इस अवस्था में किसी भी महिला में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब जो जिस तरीके से रिलीजन कह देता है कई बार, सिंपल सा बस इतना सा अंतर यह है कि उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए
हिंदू रिलीजन में मतलब एक परंपरा लाई गई थी कि भाई उनको ऐसी चीजों से बचाने के लिए उनको मतलब एक तरीके से अलग जगह पर सुरक्षित रखा जाए। तो लोगों ने उसमें मतलब अशुद्धि का लेकर आ गए, शायद आप में से कई लालिया इसको सुनती होगी। मतलब जो अभी क्लास ले रही है कई लालिया, वो मेरी इस बात से सहमत होगी कि उन्हें कई बार मतलब एक तरीके से इस एमसी चक्र के दौरान हीन भाव से देख लिया जाता है। मतलब मैंने देखा है कि कई जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल अलग दूर रखने की बात करते, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वे बिल्कुल उतनी ही पवित्र और शुद्ध है, उसमें ऐसा कुछ भी मतलब गंदी मानसिकता नहीं रखनी है। और आप लोग क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो शुद्धता का उद्देश्य था, पर उसमें आइसोलेशन नहीं था, एक तरीके की ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पर भारतीय समाज में मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है चीजों को अवेयर करना लोगों को। तो मेरा जो ये वीडियो है आप अपने पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाए, इसलिए नहीं कि इस वीडियो में ये जानकारी, बल्कि ये भी इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक रूप में आप किसी भी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, किसी भी चिकित्सक से सलाह ले लीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अपवित्रता जैसी बातचीत नहीं होती है। और हमारे जो हिंदू रिलीजन में इस कंसेप्ट को जोड़ा गया था वो काफी अच्छे विचार से जोड़ा गया था कि भाई उनको नुकसान ना हो, उनको इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उनको सम्मान पूर्वक आइसोलेट करने की बात थी। लेकिन आजकल लोग उसको अपवित्र कह के मतलब हीन भाव से देखकर पूजा पाठ में उनको शामिल नहीं होने देते हैं, तो ये थोड़ा सा दर्दनाक है, खराब चीज है, ये होनी नहीं चाहिए। कुछ जगह मैंने देखा है कि बहुत अलग ही तरीके से चीजें चलती हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए भारत में। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 36 करोड़ मासिक धर्म वाली महिलाएं हैं, प्रजनन योग्य महिलाओं में मासिक धर्म आएगा। सर्वे में स्पष्ट हुआ कि इनमें से केवल 36% महिलाएं मासिक धर्म के दौरान सेनेटरी पेड का प्रयोग करती है, जबकि शेष महिलाएं अवैज्ञानिक या अस्वास्थ्यकारी तरीके का प्रयोग करती हैं। हालांकि सर्वे में स्पष्ट हुआ कि मासिक धर्म के संदर्भ में सेनेटरी पेड जैसे स्वास्थ्यकारी उत्पादों का प्रयोग करने वाले महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, खास करके यूनियन टेरिटरी में वेस्ट बंगाल, गोवा जैसे राज्यों ने काफी अच्छा काम करके दिखाया है। देश के ग्रामीण क्षेत्र में मासिक धर्म के प्रति महिलाओं में सेनेटरी पेड जैसे उत्पाद का प्रयोग अत्यंत कम है। इस दिशा में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में स्थिति बहुत खराब है। चिंता का प्रमुख बिंदु है कि मासिक धर्म को कुछ लोग बीमारी के रूप में देखते और पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित है। शिक्षा और जागरूकता की कमी है। धार्मिक ऐतिहासिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव भी होता है। बाल विवाह भी मासिक धर्म के संदर्भ में संकीर्ण मानसिकताओं से जुड़े हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पहला मासिक धर्म आया कि लड़की विवाह योग्य हो गई, ये बिल्कुल मूर्खता जैसा विचार है। लड़की का पहला मासिक धर्म उसके ससुराल में आना चाहिए और लड़की का पिता पाक न तो अन्यथा लड़की का पिता भागीदार होता है, ऐसा कुछ जगह लिखा हुआ है। मतलब मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, ऐसी चीजें चल रही है भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके की चीजें हो रही है। भारतीय धार्मिक ग्रंथ में कमोवेश इस प्रकार की संकीर्ण और रूढ़िवादी तथ्यों का उल्लेख किया गया है। उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मासिक धर्म के प्रति ग्रामीण भारत में जहां जागरूकता का अभाव है, वही शहरी क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा भी इसे एक समस्या के रूप में देखा जाता है। अतः इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के प्रसार के माध्यम से मानसिक स्तर पर परिवर्तन करने की जरूरत है। सरकार को सिविल समाज के साथ मिलकर इस प्रकार की रणनीति का विकास करना चाहिए जिससे मासिक धर्म में स्वस्थ प्रबंधन मुद्दों को संबोधित किया जाए। सरकार को इसके लिए अवेयर प्रोग्राम लाने चाहिए, अच्छे विज्ञापन डालने चाहिए कि मासिक धर्म अपवित्रता का प्रतीक नहीं है, मासिक धर्म को आप संकीर्ण मानसिकता के आधार पर मत देखिए, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से किसी भी महिला के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो उस समय भी पूजा पाठ से लेकर सभी काम कर सकती है, लेकिन अगर वो स्वच्छता के मापदंडों को मानना चाहती है तो वह अपने आप को आइसोलेट कर सकती है। लेकिन उसको देखना, आइसोलेट करने का मतलब आप नहीं करेंगे, वो अपनी स्वयं की इच्छा से होना चाहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये इस तरीके की चीजें ना लागू की जाए, ये कई बार दर्दनाक हो जाता है। इसके अलावा स्कूल, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थानों पर यथोचित स्थान पर निशुल्क सेनेटरी पेड बांटे जाए, क्योंकि भारत में कई गरीब महिलाओं के पास ऐसे विकल्प नहीं है। किस यूरोपियन देश ने मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सार्वजनिक अवकाश देने संबंधी कानून पारित किया? तो स्पेन ने,
और दूसरी बड़ी बात है कि इंडोनेशिया ने 2003 में यह कानून लाया था। फिर अगली खबर है समुद्री जल स्तर में वृद्धि और प्रभाव, सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशन। भैया ऑब्वियसली सी लेवल तो बढ़ेगा ही, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, तो तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेवल भी बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कन्फर्म है ये। हाल ही में विश्व मौसम संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और इसके उत्पन्न होने वाले प्रभावों के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का औपचारिक नाम है ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीफिकेशन एंड इम्प्लीकेशंस। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु है कि 2013 से 2022 के बीच वैश्विक औसत समुद्र स्तर 4.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से प्रतिवर्ष बढ़ा है। 1971 के बाद से ही मानवीय गतिविधियों को इस वृद्धि का मुख्य कारक माना गया है। 1901 से 2018 के बीच वैश्विक समुद्र स्तर में 0.20 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है इन लगभग 118 वर्षों में। हर साल समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। भारत ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े शहर समुद्र किनारे बसे हुए हैं, तो हमारे 3 शहरों पर भी संकट आ रहा है, बहुत चिंता की बात है। और बढ़ रहा है लगातार सी लेवल, यदि ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाता है तब भी समुद्र के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मतलब यदि हमारे पृथ्वी का तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल के रिस्पेक्ट में 1.5 डिग्री बढ़ जाता है तो भी समुद्र का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि छोटे छोटे द्वीप डूब जाएंगे। यदि तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होती है तो समुद्र स्तर में यह वृद्धि दुगनी हो सकती है। सोचो 1.5 डिग्री का टेम्परेचर की जगह अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो सी लेवल में वृद्धि दुगनी हो जाएगी। समुद्र के स्तर में वृद्धि से वैश्विक स्तर पर भारत, चीन, बांग्लादेश, नीदरलैंड समुद्री स्तर में वृद्धि कारण सबसे अधिक प्रभावित होंगे। भारत के तो 3 शहर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समुद्र किनारे हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि लगभग सभी महाद्वीपों के कई बड़े शहरों के अस्तित्व के लिए खतरा है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण भारत समुद्र स्तर में वृद्धि के बढ़ते प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में से एक है। हिंद महासागर के स्तर में 0.5% वृद्धि जल के आयतन में विस्तार के कारण होती है, क्योंकि महासागर तेजी से गर्म हो जाते हैं। मतलब महासागरों में विस्तार तेजी से होता है, तेजी से तो गर्म नहीं होते, लेकिन अगर एक बार गर्म हुए तो जल्दी ठंडे नहीं होते, ऐसा कहें। हिंद महासागर के गर्म होने से अधिक नमी और गर्मी के कारण चक्रवात भी बढ़ेंगे। ऑब्वियसली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात समुद्र में उत्पन्न होते हैं, उस समुद्र में उत्पन्न होते हैं जिस समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होता है। अगर पूरे समुद्र का तापमान बढ़ेगा तो उन समुद्रों में 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा के तापमान वाला एरिया बढ़ जाएगा। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां सिकुड़ सकती है। खारे जल के प्रसार के साथ बढ़ते समुद्र तल से उनके विशाल डेल्टा का बड़ा हिस्सा निर्जन होने की संभावना देखी जा सकती है। नदियां कैसे सिकुड़ जाएगी? भाई तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, तो पहले तो नदियों में बाढ़ आएगी, उसके बाद ग्लेशियर खत्म तो नदियां सूख जाएगी। तो बड़े चैलेंजेस हैं इसके कारण। विश्व मौसम संगठन आप जानते हैं WMO, 1873 में पहले इसका नाम था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 23 मार्च 1950 को इसका नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रखा, इसलिए इसको विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। जिनेवा में मुख्यालय, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक संस्था है यूनाइटेड नेशन की। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। भारतीय जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा भारतीय जलवायु? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत की हिमालयी और समुद्र तटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे? 2017 में 15 नंबर का सवाल आ चुका है। कस्टोडियल डेथ के संबंध में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, पुलिस सुधार से संबंधित एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। भाई कस्टोडियल डेथ का मतलब समझ गए होंगे, जरा कमेंट्स करके बताना, मैं देखूं कितने लोग मेरी बात समझ गए। कस्टोडियल डेथ,
जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और हिरासत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति उसे कस्टोडियल डेथ कहते हैं। बहुत दर्दनाक आंकड़े हमारे देश में इसके, मतलब जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सच में भारत में पुलिस सुधार कितना जरूरी है। आज भी हमारे देश में 100 से अधिक लोग पूरे साल भर में कस्टोडियल डेथ में मर रहे, मतलब पुलिस के हिंसा और कठोर कार्रवाई के कारण। हम आजाद हुए हैं या अभी भी हम गुलाम हैं? क्या हमारे देश की पुलिस तंत्र इस बात को स्वीकार कर पाएगी कि उनके कार्रवाई एक भारतीय पर हो रही है? क्या हिंदी सिनेमा जगत ऐसी सेंसिटिव मूवीज को बना पाएगा जिससे पुलिस संवेदनशीलता के मुद्दे को समझाया जा सके कि हमारे देश में वही सिंघम बनते जाएंगे जो चौराहे पर बेल्ट निकाल कर अपनी लाली को बेल्ट और पर्स सौंप कर चौराहे पर पिटाई करते हुए दिखाएगा? वो दर्शक को भले ही अच्छा लग सकता है लेकिन वह एक अच्छी बात नहीं है। उसका कारण है क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके की सिविल सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं वहां पर हिंसा का न्यूनतम उपयोग होना चाहिए। तो ये बड़ी चिंता की विषय है। आइए जरा देखते हैं कि खबर क्या है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की। 2017-18 के दौरान पुलिस हिरासत में मौतें कुल 146 मामले सामने आए। पिछले 5 वर्ष में हिरासत में सबसे अधिक मौतें 80 गुजरात में हुई अकेले, उसके बाद महाराष्ट्र में, यूपी में, तमिलनाडु और बिहार में। वैसे तो मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा होगी। कई जगह पे तो केस भी दर्ज नहीं हो पाते, पता भी नहीं चल पाता है कि पुलिस वाले कई बार लाश को ठिकाने लगा देते। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं चाहूंगा कि जब आप लोग आईपीएस बने तो इस मुद्दे पर जरूर ध्यान दें क्योंकि इसमें पुलिस सुधार से जुड़ी हुई सवाल बनते रहेंगे। ये आंकड़े हैं जो बहुत ही दर्दनाक हैं। गुजरात में ये जो नीला कलर है 2021-22 की बातचीत को बता रहा है। फिर महाराष्ट्र में 30 का आंकड़ा है इस साल, मतलब 21-22 का। तो बहुत ही मतलब खराब स्थिति है ये। हाईएस्ट कस्टोडियल डेथ, मतलब अलग अलग वर्ष में। पिछले 20 वर्षों में देश भर में हिरासत में 1888 मौतें हुई, जिसमें से पुलिस कर्मियों के विरुद्ध 893 मामले दर्ज हुए और 358 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए, लेकिन केवल 26 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया गया। पिछले 20 वर्षों में ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। व्लादिमीर पुतिन नाम का हमारा लाल कह रहा है कि बहुत कम है। निश्चित ही बहुत कम है, लेकिन मैं उस आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं, मैं चिंता व्यक्त कर रहा हूं, उस पर ज्यादा ध्यान दो मेरे लाल, कि बहुत सच में कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी, मतलब ये तो वैसे आंकड़े हो गए कि बहुत दर्दनाक स्थिति में हमारे ही भारतीय लोग हमारे ही भारतीय लोगों को मार रहे हैं, कानून के अंतर्गत रहकर मार रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हिरासत में होने वाली मौतों के अतिरिक्त वर्ष 2000 से 2018 के बीच पुलिस के विरुद्ध 2000 से अधिक मानव अधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए। उन मामलों में केवल 344 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया गया। पुलिस जब अपनी पूछताछ के दौरान प्राप्त निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं होती तो प्राय यातना और हिंसा का सहारा लेती है, जिससे संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हिरासत में होने वाली मौतें या कस्टोडियल डेथ से तात्पर्य पुलिस हिरासत में अथवा मुकदमे की सुनवाई के दौरान, न्यायिक हिरासत में अथवा कारावास में दंड भोगने के दौरान व्यक्ति की मृत्यु से है। पुलिस तंत्र का अभी भी औपनिवेशिक तंत्र कार्य प्रणाली, पुलिस का अमानवीय व्यवहार, संवेदनशीलता और नैतिकता का पतन, पुलिस पर कार्यभार की अधिकता, ये भी एक बड़ा कारण है। बट ये इतना, मतलब मैं कहूँगा कि भाई कितना भी बड़ा कार्यभार हो, आप इस तरीके के अमानवीय और संवेदनशीलता को बढ़ाया जाए, बढ़ता अपराधीकरण, कठोर कानूनों का अभाव, समुचित और संस्थागत निगरानी तंत्र का अभाव, और हमारे देश में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो डिले होती है। एक एक केस 20-20 साल चलता है तो पुलिस वालों के मन में डर नहीं होता। इमेजिन करो कि अगर कोई भी मामला 2 साल 6 महीने 3 साल एक टाइम पीरियड कर दिया जाए तो चीजें बेटर तरीके से पूरी हो सकती हैं।
तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल जय भीम मूवी में भी बहुत अच्छी तरीके से इस संवेदनशील मुद्दे को दिखाया गया है, और मेरे हिसाब से रियल में इस मुद्दे के ऊपर काफी ज्यादा मूवीज बनाने की जरूरत है। लोगों को इमोशनल नहीं होना चाहिए बल्कि ध्यान देना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को न्याय की मतलब इतनी जल्दबाजी होती है कि वो न्याय की प्रक्रिया का पालन ही नहीं करना चाहते। उनको किसी मूवीज में डायलॉग बता दिया गया कि मैं डायरेक्ट एनकाउंटर करता हूं, ये डायलॉग अच्छे लग सकते हैं, लेकिन क्या हम इसी सभ्यता के निर्माण के लिए इतना ज्यादा सिस्टम बना रहे हैं? क्या यही तंत्र हमारे लिए ठीक था? क्या हम इतने जानवर जैसे हैं कि हमारे लिए यही इकलौता तरीका है? जब आप किसी और के ऊपर ये बात सोचते तो सोचिए क्या आप सच में मनुष्य के रूप में नियंत्रित होने वाली प्रजाति नहीं है? तो बहुत जरूरी है इस मुद्दे पर संवेदनशील होना। और 2006 का प्रकाश सिंह मामला जो था, वो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिप्पणियां की है, उस कठोर टिप्पणियों को लागू करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो कठोर टिप्पणियां केवल सलाहकारी की थी, मेरे हिसाब से वो बाध्यकारी कर देती तो ज्यादा बढ़िया होता। पुलिस का ट्रांसफर भी कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। भारत में कस्टोडियन डेथ के बढ़ते मामले न केवल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक तंत्र की कमी को इंगित करते हैं बल्कि मानव अधिकार संबंधी चिंताएं भी उत्पन्न करते। इस कथन के आलोक में कस्टोडियन डेथ की रोकथाम हेतु उपयुक्त उपायों को रेखांकित कीजिए। तो कस्टोडियल डेथ, ये पुलिस सुधार से जुड़ा हुआ फिर से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जैसे व्लादिमीर पुतिन कह रहा है कि पेपर में दिए हैं कि जो कस्टोडियल में मरते हैं उन्हें बहुत सारे बीमारी से होते हैं। भाई बीमारी से हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस व्यक्ति के जीवन का निर्णय स्वयं ले ले। हमारे देश में कानून की स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 क्या कहता है? दैहिक स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति को कानून की स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही मतलब उसके जीवन को समाप्त किया जा सकता है, ऐसे किसी भी तरीके से थोड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन अगर कल के दिन IPS बना तो फिर वही हवाबाजी करेगा कि पहचानते हो सिंघम हो जिले का। ऐसी चीजें बकवास है मेरे हिसाब से। ऐसे इनसेंसिटिव लोग कभी भी IPS में ना आए, बहुत जरूरी है सेंसिटिव लोगों का आना। कठोरता अपनी जगह पर सही है लेकिन वो अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहला विकल्प ना रहे। फिर अगली खबर है, भारत बना संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष। हाल ही में भारत को 62वें सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। वर्ष 1975 के पश्चात ये प्रथम अवसर है कि भारत सामाजिक विकास आयोग मतलब यूनाइटेड नेशन में एक सोशल डेवलपमेंट कमीशन है जो कि पूरे दुनिया भर के सामाजिक विकास के ऊपर सलाहें देता है, तो उसका अध्यक्ष भारत पुनः बना। 75 के बाद ये पुनः अवसर मिला भारत को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि। देखो वैसे तो मैं कहूंगा कि ऐसे अध्यक्ष बनने से धीमे धीमे भारत का महत्व बढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन इसके लिए बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र में वो जो स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में, पहले तो वो सुधरना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज को भारत की ओर से सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन एम्बेसिडर रुचिरा कंबोज, तो रुचिरा कंबोज जी राजदूत के रूप में जो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में यूनाइटेड नेशन में है, उन्हीं को इनका अध्यक्ष चुना गया है। सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के 62वें सत्र की थीम है सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाने और निर्धनता उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। देखो ये आयोग यूनाइटेड नेशन का वैसे तो कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, सलाह ही देता है, सजेशन देता है कैसे गरीबी दूर की जा सकती है, आय की असमानता को कैसे दूर कर सकते हैं, रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं, देश में सामाजिक वैमनस्य को या सामाजिक भाईचारे को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम विश्व में एक सामाजिक डेवलपमेंट के मानक तय कर सकते हैं,
इन पर सारी बातचीत को वो पूरा करते हैं। यह आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 1966 में स्थापित एक कमीशन है। आयोग आर्थिक सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। आयोग सामाजिक विकास के मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विचार विमर्श करने, उसे मजबूत करने के लिए सरकारों के साथ मदद करता है। आयोग का लक्ष्य है, जो हमारे यूनाइटेड नेशन का आर्थिक सामाजिक संस्थान है, विशेष रूप से उन सामाजिक मुद्दों पर परामर्श प्रदान करना जिन्हें विशेष अंतर सरकारी संगठन द्वारा नहीं निपटाया जाता। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 1992 में इकोनॉमिक सोशल काउंसिल बनाया गया था। तो ये परिषद है, जो समझ लीजिएगा इकोनॉमिक सोशल काउंसिल एक संस्था है, इसके अंतर्गत एक कमीशन है, इसके अंतर्गत एक कमीशन है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा देश विश्व भर में सामाजिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और 54 इसके मेंबर है। सीटों का आवंटन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, कार्यकाल प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है, 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं जैसे राज्यसभा में होता है, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से निर्णय होते हैं। वैसे कोई ताकतवर संस्था नहीं है, लेकिन सलाहकारी संस्था है। एक देश के सामाजिक विकास में सलाह देने का ये काम करती है। हाल ही में भारत के भारत को 62वें सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। भारत पहली बार सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष बना, तो ऑब्वियसली इसके पहले 1975 में बन चुका है केवल पहला। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, या सो डिक्लेयर एज ए लैंडमार्क फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। हाल ही में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत यायात्सो स्थल को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज स्थल घोषित किया गया। यह निर्णय सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत लिया गया। देखो, इसके माध्यम से हेरिटेज का मतलब होता है परंपरागत रूप से यहाँ लंबे समय तक हमारे देश में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी एक जमाने में रही है। यायात्सो लद्दाख में एक झील है, इसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यह झील काली गर्दन वाले सारस के उच्चतम प्रजनन स्थलों में एक है। सिक्योर हिमालय परियोजना क्या है? तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना है। इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से 2017 में शुरू किया गया था। 6 वर्षीय परियोजना है और ये 2023 तक इस परियोजना पर पूरे हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है। इस परियोजना का उद्देश्य हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और हिम तेंदुए का संरक्षण करना है। इसके अंतर्गत 4 हिमालयी राज्य, जम्मू कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और लद्दाख भी आ जाएगा। जैव विविधता विरासत स्थल क्या होते हैं? जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें अनूठे सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय जल, समृद्ध जैव विविधता वाले वन्य प्रजाति के साथ साथ घरेलू प्रजातियां, दुर्लभ संकटग्रस्त और कीस्टोन प्रजातियां पाई जाती। मतलब मोटे तौर पर गए तो ऐसा स्थल जहां जैव विविधता की संभावना ज्यादा होती है या घरेलू के साथ साथ विदेशी प्रजातियों की भी तादाद काफी बेहतर होती है। तो जैव विविधता विरासत स्थल यायात्सो शब्द पर ध्यान देना, पूछा जा सकता है। जैव विविधता अधिनियम हमारे देश में 2002 में आया था जैव विविधता के संरक्षण के लिए, और 2002 में इसलिए भी आया था क्योंकि वर्ष 2000 में कार्टेजिना प्रोटोकॉल दुनिया भर में आया था जिसका मकसद था जैव विविधता का संरक्षण। और कार्टेजिना प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए CBD कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 के तहत भी भारत पर यह दबाव था कि भारत ऐसा कानून बनाए जिसमें बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लक्ष्य हो। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल 2007 में नल्लूर इमली ग्रोर बेंगलुरु कर्नाटक में घोषित किया गया था। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के मेलूर ब्लॉक में अरीटा पट्टी को तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विरासत स्थल घोषित किया है।
तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यह 1965 में बना था, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। यह डेवलपमेंट से जुड़े हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यक्रम में भाग लेता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। गरीबी उन्मूलन के लिए 170 देशों में काम कर रहा है। तो लद्दाख का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज प्लेस योत्सो, और याद रखेगा कि इस कार्यक्रम में हिमालयन सिक्योर कार्यक्रम भी जुड़ा हुआ है। तो सभी पॉइंट थोड़े ध्यान से सुनते चलना। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए वॉशिंगटन डीसी में इसका कार्यक्रम होता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का प्रबंधन भी यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक और यूएनईपी के द्वारा ज्वाइंटली किया जाता है। यूएनईपी एक तरीके से एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा पर्यावरणीय चैलेंजेस को निपटने के लिए सरकारें मिलकर, दुनिया भर की सरकारें मिलकर फंड जमा करती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। इसका वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका गठन किया गया। अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान करने पर जोर देने के साथ विकासशील देशों के लिए विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान सहायता सुनिश्चित करता है। कौन से कथन सही है? हम कहेंगे दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग मुद्दा है। हमारे देश में एक परंपरा रही है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति होता है, लेकिन जो उपाध्यक्ष होता है वो विपक्ष का चुना हुआ व्यक्ति, विपक्ष की पार्टी से लिया जाता है। लेकिन दर्दनाक ये बात है कि ये जो भी 19 में चुनाव हुए तब से लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद खाली है। तो अध्यक्ष नहीं होने पर फिर क्या होता है? मिरेकल इस फ्राइडे पॉलिटी का मैराथन क्लास आएगा, 17 से 18 घंटे की क्लास होगी। सुबह 6 बजे से क्लास शुरू होगी मैराथन और रात के 12 बजे तक चलेगी, सुबह 6 से 12। मैं देखता हूँ कितने लोग पूरी ईमानदारी से क्लास को लेते हैं। पहला जो मैराथन था इंडियन ज्योग्राफी, मैंने आपको दे दिया प्रॉपर तरीके से कवर करके, बजट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि कोई सवाल नहीं छूटेगा। और इस शुक्रवार को मैराथन क्लास आएगा, मैराथन क्लास पूरे 18 घंटे का। तो अब सवाल ये है कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष का पद है वो खाली है, तो इसको चैलेंज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसके तहत लोकसभा उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध करार देते हुए न्यायालय से कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल 2019 से 17वीं लोकसभा के प्रारंभ से वर्तमान तक लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है और इस हेतु नियुक्ति की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष को जवाब तलब करने और कार्रवाई करने की मांग की गई है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय नहीं दिए हैं। यहां बस एक चीज मैं बता दूं कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो 10 लोगों का जो एक सदन में कमेटी बनाई जाती है उसमें से 9 लोग तो ये हैं जो फिर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन में कार्रवाई को देखते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष अभी तक नहीं है। याचिकाकर्ता का तर्क, याचिका में कहा गया कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति न केवल सदन की नियमों के विरुद्ध है बल्कि यह संविधान का भी उल्लंघन है। साथ ही चूंकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, ऐसे में उपाध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद की रिक्ति संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति को लेकर जवाब मांगा कि भाई आप क्या बोलना चाहते हैं। तो अभी ऑफिशियली सरकार ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनका जो वकील महान्यायवादी अटोर्नी जनरल है उन्होंने देखो क्या जवाब दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक रूप से हलफनामा दायर कर जवाब नहीं दिया, किंतु सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से महान्यायवादी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन की सदन में अभी कोई तत्काल जरूरत नहीं है, चूंकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित हो रही है
और अध्यक्ष अपने पद पर निरंतर बने हुए हैं, अतः उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। इसके अलावा लोकसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, जो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विकल्प उपलब्ध कराने में सक्षम है। संवैधानिक व्यवस्था क्या है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करता है। 93 के अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को सदन का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद देती है, जैसे कि दोनों ही अपसेट हो तो। 19 अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में समय सीमा का कोई वर्णन नहीं है, बल्कि संबंध में यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र, अर्थात बिना विलंब किए। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा, जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। तो थोड़ा सा संवेदनशील मुद्दा है। आर्टिकल 93 स्पष्ट रूप से लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन हेतु सदन को निर्देश देता है। इसके अलावा आर्टिकल 94 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के संबंध में एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करता है। आर्टिकल 94(1) के अनुसार अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, और यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तो इस स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसे राष्ट्रपति इस कार्य हेतु नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति मतलब 9 लोगों का एक पैनल होता है, इसमें 10 लोगों का भी कह सकते हैं। 94(2) लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के संबंध में व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करेगा, यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में सदन द्वारा निर्धारित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करेगा। इसी खंड के अंतर्गत लोकसभा द्वारा प्राय कुछ सदस्यों का एक पैनल गठित कर लिया जाता है। इस पैनल का कोई सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। महान्यायवादी ने सुप्रीम कोर्ट में उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति के संबंध में यही तर्क दिया है। तो अभी केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि भाई आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला उपाध्यक्ष के पद की अनुपस्थिति का नहीं, बल्कि उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति का है। चूंकि अनुच्छेद 94(1) उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति को इस पद हेतु व्यक्ति को चयनित करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की स्थिति राष्ट्रपति द्वारा, जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों केवल निर्णायक ही मत दे सकते। तो लोकसभा अध्यक्ष जब अध्यक्षता करता है तो निर्णायक देगा, और उपाध्यक्ष अगर अध्यक्षता नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल के रूप में रहेगा। फिर है खजुराहो। फरवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 संस्कृति समूह की पहली बैठक आयोजित होगी। पिछली बार में भी हमने ये बात बताई थी, G20 के सदस्य देशों से मिलकर बना एक समूह है जिसका प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देना है। G20 संस्कृति समूह एक तरीके का सांस्कृतिक क्षेत्र में देशों को मदद करता है, सलाह देता है, अलग अलग प्रकार के मानक बनाने में मदद करता है। थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर मेन से जुड़ा हुआ मुद्दा रहेगा, पीटी में तो सवाल की संभावना कम है। खजुराहो हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। इन मंदिरों का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख अबू रिहान अल बरूनी तथा अफ्रीकी याती इब्न बतूता के विवरणों में मिलता है। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के नागर शैली का उदाहरण है। मंदिर के निर्माण के लिए हल्के रेतीले पत्थर, लोहे की किलो और ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है। एक गर्भगृह, महामंडप, सभागृह, अर्धमंडप, ये आप लोग आर्ट एंड कल्चर में जब मंदिर स्थापत्य कला को पढ़ेंगे तब आइडिया लगेगा। प्रदक्षिणा पद इसके प्रमुख घटक है। यहाँ कुछ मंदिर पंचायतन शैली में बने। पंचायतन शैली के अंतर्गत एक केंद्रीय मंदिर के चारों कोनों पर 4 अतिरिक्त मंदिर बने होते हैं। मंदिर की नक्काशी हिंदू जीवन शैली के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाती है। ये मंदिर अपनी कामुक भाव से युक्त मूर्तियों के लिए विश्व विख्यात है। माना जाता है कि यदि 12वीं सदी के दौरान लगभग 20 किलोमीटर में फैले इन मंदिरों की संख्या 85 थी। इनमें से अधिकांश मंदिर नष्ट हो गए। वर्तमान में इनकी संख्या 25 रह गई।
खजुराहो के मंदिर पश्चिम पूर्वी दक्षिण समूह में विभाजित है। इनमें पश्चिमी समूह के मंदिर शैव और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ऐसे ट्राइंगल के रूप में है। तो ये वाले जो मंदिर है ये शैव और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इन मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, नंदी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वरहा मंदिर आदि प्रमुख है। पूर्वी समूह के मंदिर हिंदू और जैन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इसमें ब्रह्मा, वामन, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, घंटाई मंदिर प्रमुख है। इसके अलावा दुलादेव तथा जट्टारी मंदिर दक्षिण समूह में संबंधित है। तो शैव और वैष्णव संप्रदाय के मंदिर दक्षिण में भी हैं, जो दुलादेव और जट्टारी वैष्णव संप्रदाय मंदिर दक्षिणी समूह से जुड़े हुए हैं। इन मंदिरों को इनके शिल्पगत सौंदर्य के कारण यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। हवाइट्स ग्लेशियर हाल ही में इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों द्वारा अंटार्कटिका स्थित हवाइट्स ग्लेशियर के तीव्रता से पिघलने की पुष्टि की गई है। थोड़ा सा नाम याद रखिएगा कि ग्लेशियर कहाँ का है और इसके क्या मतलब खबर के मूल बिंदु है। हवाइट ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर और जलवायु परिवर्तन, समुद्री परिसंचरण में परिवर्तन के कारण ये तेजी से पिघल रहे हैं। इस कारण से इस ग्लेशियर से प्रतिवर्ष 50 बिलियन टन से अधिक बर्फ समुद्र में मिल जाती है, जो वार्षिक समुद्र स्तर की वृद्धि में लगभग 4% का योगदान करते हैं। इस ग्लेशियर के जल से वैश्विक समुद्र स्तर में 65 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो सकती है। फिर है मारबर्ग वायरस, फिर से चमगादड़ आ गए हैं। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका के गिनी देश में मारबर्ग वायरस के नए मामले सामने उल्लेखनीय कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पश्चिम अफ्रीका में इस वायरस के उन्मूलन की पुष्टि किए जाने के बाद ये नए मामले सामने आए हैं। मारबर्ग वायरस इबोला की तरह फिल विरिडे परिवार का सदस्य है। मानव में गंभीर रक्तस्रावी बुखार का कारण इसके प्राकृतिक होस्ट रुसेट फ्रूट्स बैट है, जबकि मानव में संक्रमण के स्रोत अफ्रीकी बंदर है। तो बीमारी के रूप में बस याद रखना मारबर्ग वायरस कहां से आया है, बाकी इतने वायरस आ चुके हैं कि कितना याद रखोगे। मीरा पहल, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, भाई इनको अब वर्तमान में जो मिलेट्स है, जो मोटा अनाज है, उन मोटे अनाज को सुपर फूड कहा गया है, तो एक नया कार्यक्रम और स्टार लगा लीजिए मेंस के लिए भी। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मीरा नामक पहल की घोषणा की गई है। स्टार लगा लीजिएगा, मेंस में भी सवाल बनेगा। इसका उद्देश्य मोटे अनाज से संबंधित रिसर्च को बेटर करना, मोटे अनाज अनुसंधान संगठनों को जोड़ना है। मोटे अनाज की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, पाचन के लिए काफी इजी होते हैं, इसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम काफी बेटर होता चला जाता है। और सबसे ज्यादा बेस्ट है कि यह भारत के जलवायु परिवर्तन में बहुत ही बेटर उत्पादन दे सकते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री के लिए जाने जाते हैं। इसमें सूखा सहिष्णु, प्रकाश असंवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन विशेषताएं विद्यमान होती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ मोटे अनाज है। ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कंगनी, चेना, ये सभी के सभी मोटे अनाज है। ये मोटे अनाज का उदाहरण लिख देना, कोंदरा, ब्रूम कॉर्न, सावा, हरी कंगनी, कुट्टू, राजगिरा, ये सब मोटे अनाज के उदाहरण है। तो थोड़ा स्टार लगा लीजिएगा। तो मोटे अनाज के रूप में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से मोटे अनाज है। तो मोटे अनाज के रूप में अगर हम बात करें, भारत में इसका उत्पादन 36.56 मिलियन टन के अनुमान की उम्मीद की गई है। इस बार के बजट में अग्रिम अनुमान है ये। फिर अगला अभियान आ गया है, जल जन अभियान। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सिरोही जिलों के आबू में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया।
यह अभियान ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने से है। मतलब बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये, जिसके माध्यम में पहली बार एनजीओ और मंत्रालय एक साथ काम करेगा। ब्रह्म कुमारी संस्था एनजीओ और जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। इसका मुख्य मकसद है वाटर हार्वेस्टिंग। देखो, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो भी वर्षा का जल होता है उसका संग्रहण करना, जो भी ऐसे जल के सोर्स है जो नेचुरल है उसको बचाने का प्रयास करना, बहते हुए पानी को रोकना, खास करके बारिश के जल का संग्रहण वाटर हार्वेस्टिंग का मेन मकसद है। पेड़ लगाना, जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना। इस अभियान के माध्यम से 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश भर में इसके माध्यम से 5000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण और नए जलाशय बनाने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। तो 10 करोड़ लोगों तक इसका लक्ष्य है और 5000 से अधिक जलाशयों का संरक्षण किया जाएगा। सप्तकोटेश्वर मंदिर, गोवा सरकार ने सप्तकोटेश्वर मंदिर का उद्घाटन करते हुए इसे श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोल दिया है। उल्लेखनीय कि पिछले कुछ समय से इस मंदिर का जीर्णोद्वार किया जा रहा था, मतलब सुधार किया जा रहा था। सप्तकोटेश्वर मंदिर, गोवा का सप्तकोटेश्वर मंदिर, सप्तकोटेश्वर मंदिर गोवा के नरवे गांव में स्थित है। सप्तकोटेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन नरवे विलेज ऑफ गोवा और भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के कदंब वंश के शासक शिवचित परमादिर्देव ने करवाया है। थोड़ा स्टार लगाना, आर्ट एंड कल्चर का सवाल। मंदिर पर पहला हमला साल 1352 में इस्लामिक आक्रांता अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 14वीं शताब्दी के अंत में माधव मंत्री ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1560 में इस मंदिर पुर्तगालियों ने हमला किया और मंदिर को तोड़ते हुए शिवलिंग को कुएं में फेंक दिया था पुर्तगालियों ने। इसके बाद 1668 में पुर्तगालियों पर विजय के पश्चात हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके गर्भगृह की दीवार सादी लकड़ी से निर्मित है। मंदिर का मंडप एक विशिष्ट यूरोपियन शैली में निर्मित है। मंदिर के चारों ओर ब्राह्मण धर्म से संबंधित लेटेराइट और पत्थर की गुफाएं हैं। फिर है माइनिंग वॉच डॉग, भारत में माइनिंग के लिए। हाल ही में देश में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन और निगरानी प्रणाली शुरू की है। एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है खनन प्रहरी। मोबाइल ऐप है ये खनन प्रहरी। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ऐप के माध्यम से कोई भी अवैध खनन की गतिविधि की रिपोर्ट कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार अवैध रेत खनन में भारत पहले स्थान पर है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग अवैध मतलब रेत खनन के मामले में हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में पहले स्थान पर है। सोचिए, यहां पर भी हम नंबर 1 पे हैं। रेत खनन से तात्पर्य प्रमुखतः खुले गड्ढे के माध्यम से रेत का निष्कर्षण है, किंतु कभी कभी समुद्र तट और अंतर्देशीय टीलों से इसका खनन, समुद्र और नदी तल से इसका निष्कर्षण किया जाता है। अवैध रेत खनन के कारण नदी परितंत्र को नुकसान, नदियों में बाढ़ का खतरा, वायु प्रदूषण में वृद्धि, जैव विविधता को खतरा, भूजल में कमी, किनारों का कटाव, लैंडस्लाइड और आर्द्र भूमि को संकट। देखो, सबसे बड़ा तो कमी होता है जो किनारे कटते हैं उसके कारण लैंडस्लाइड होता है, जिससे कि फिर बाढ़ का खतरा बढ़ता है। इससे नदी परितंत्र में प्रदूषण भी बढ़ने लग जाता है, बायोडायवर्सिटी खत्म होती है, फिर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु। वायु क्यों? क्योंकि रेत खनन में धूल उड़ती है। बाल मित्र चैटबोट, हाल ही में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लोगों और बाल अधिकार पैनल के मध्य द्विपक्षीय संचार के लिए बाल मित्र नामक व्हाट्सएप चैटबोट लॉन्च किया है। इस चैटबोट का उद्देश्य बच्चों और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न मामलों पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करना,
इसके माध्यम से रिपोर्ट किए गए मामलों की गोपनीयता सुनिश्चित करना है। चैटबॉट लोगों को, विशेषकर माता पिता को, उनके बच्चों के स्कूल में प्रवेश और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी मार्गदर्शन करेगा। मतलब इसमें आप लोग ऐप एक मैसेज करेंगे इस जो चैटबॉट है बाल मित्र चैटबॉट पर, जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई आते रहेंगे अपने आप ही, मतलब कोई व्यक्ति इसको रिप्लाई नहीं कर रहा होगा। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा सेवानिवृत्त को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, तो लद्दाख के। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का मेजबान करेगा, तो लद्दाख। जमी हुई जो झील है उसकी पहली झील मैराथन। जल जन अभियान का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन हुआ है, तो राजस्थान में, जो ब्रह्म कुमारी एनजीओ और मंत्रालय है। कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का मेजबान है, नई दिल्ली। भारतीय संविधान का आर्टिकल 93 जो हाल ही में खबरों में था, किस पद पर नियुक्ति संबंधित है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष के लिए। किस देश ने 2030 तक नई पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, तो पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री बैन कर दी है यूके ने। भारत की कौन सी निर्माण क्षेत्र की कंपनी पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब पूरी तरह से एक डिजिटल कंपनी है। किस देश ने 2030 तक, तो यूके ने। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, शेयर और लाइक करते चलिए। शेयर लाइक कम हो रहे हैं, थोड़ा शेयर लाइक बढ़ाते चलिएगा। और शुक्रवार के दिन तैयार रहिएगा, खा पी कर तैयार रहना है। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे 17-18 घंटे का मैराथन होगा, अद्भुत मैराथन होगा, जिसमें लगभग पूरा पॉलिटी हम कवर कर लेंगे। तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, एमके लाइव रिफर कोड यूज करिएगा। पूजा जो कह रही है मंथली करंट अफेयर, मार्च में मंथली करंट अफेयर कंटिन्यू मैं कवर करा दूंगा। तो रिवीजन करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे।